मैं डॉक्टर नवीन आर्या आयुर्वेद योगाश्रम से और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एक हेल्दी आदमी के लिए पानी की कितनी क्वांटिटी उसको दिन में पीनी चाहिए, और अगर वो हेल्दी नहीं है और खास तौर से जिसके लिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं, अगर वो अनहेल्दी है लिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो पानी कितना लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को आप समझिए, एक नॉर्मल आदमी को डिहाइड्रेशन जब होती है, जब उसका पानी कम होता है, तो हमारे सिर्फ और सिर्फ शरीर से पानी नहीं कम होता, बल्कि उसके अकॉर्डिंगली हमारे शरीर में कई तरह के और मिनरल्स, सोडियम, पोटाशियम और कई तरह के मिनरल्स ऊपर नीचे होने शुरू होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए और हमारे खास तौर से दिमाग के लिए बहुत घातक होते हैं। एक सिंपल सा प्रोसेस है कि जब हम अपनी स्किन को हल्का सा पिंच करके ऊपर रख के छोड़ते हैं, जस्ट लाइक इसकी तरह से, अगर हमारा 1 या 2 सेकंड में हमारी स्किन वापस रिटेन कर रही है, इसका मतलब हमारे अंदर कोई भी डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम नहीं है। लेकिन अगर वही स्किन हमारी 5 सेकंड तक टाइम लेती है दोबारा अपने नॉर्मल पोजिशन तक जाने के लिए, इसका मतलब हम डिहाइड्रेटेड है। तो उस डिहाइड्रेशन के लिए हमें बड़ा सिंपल तरीका है, कोई दवाई नहीं, कोई कुछ नहीं, आपने सिंपल पानी पीना है। कितना? लगभग मिनिमम से मिनिमम 2 लीटर। हम करते क्या है, जब भी हमें प्यास लगती है हम पानी पीते हैं, और जब प्यास नहीं लगती, खास तौर से सर्दियों के मौसम में, तो हम पानी पीना छोड़ देते हैं नासमझी की वजह से, और उसका रिजल्ट हमारा डिहाइड्रेशन और हमारा सारा बॉडी का सिस्टम, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, वो खराब होना शुरू होता है। तो एक हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी लिवर के लिए और हेल्दी माइंड के लिए मिनिमम 2 लीटर ऑफ वाटर, 2 लीटर पानी का बहुत जरूरी है, जो कि लगभग हमारे 8 गिलास पानी बनता है। दोस्तों, ये तो रही बात हमारे हेल्दी लिवर की। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम सिरोसिस ऑफ लिवर की हो, मैं लगभग आयुर्वेद योगाश्रम के माध्यम से पिछले 30 वर्षों से सिरोसिस ऑफ लिवर पे हर्बल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और मेरे पास अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हम अगर सिरोसिस ऑफ लिवर हो चुका है या हमारा लिवर फाइब्रोसिस हो चुका है, हमारे ये फाइब्रोस्कैन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है, तब हमने पानी कितना पीना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। तो असाइटस बेसिकली क्या होता है, हमारे लिवर के कम काम करने की वजह से हमारी बेली में पानी का इकट्ठा होना, और जो वो पानी इकट्ठा होता है वो असाइटस, या उसे आयुर्वेद में, हिंदी में उसके जलोदर भी बोलते हैं। कई बार जब ये बहुत ज़्यादा लिवर की प्रॉब्लम होती है, तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ भी होनी शुरू हो जाती है, और कई बार जब इसे ना रोका जाए, जिसे हम पेरिटोनियल फ्लूड कहते हैं, उसके बाद ये हमारे लंग्स की तरफ भी जाता है और वहां भी पानी को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। नतीजन हमारा लिवर और ज्यादा खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर हम अपने आप को असाइटिस से बचाना चाहते हैं, हमने अपने गलत खान से, गलत पान से, हमें शराब ज्यादा पीकर, हमें स्मोकिंग ज्यादा कर, हमें बाजार का अंट संट खाकर अपने लिवर को अनहेल्दी बना लिया है, तो उस कंडीशन में आज समय की मांग ये है कि सबसे पहले हम अपना दैनिक जो हमारा खाने पीने का सिस्टम है उसको ठीक करें। और जब हम खाने और पीने की बात करते हैं, एक लाइन में तो सिर्फ ये बताऊंगा कि अल्कोहल और स्मोकिंग को और जंक फूड को छोड़ना है, लेकिन आज जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है असाइटस। असाइटस के लिए हमें बहुत ज़्यादा, जितना भी टोटल फ्लूड एक दिन में लेना चाहिए वो 1.5 लीटर है। उस 1.5 लीटर में पानी भी आ रहा है, उसमें किसी सब्जी की तरी भी आ रही है, उसमें चाय भी आ रही है, उसमें कॉफ़ी भी आ रही है, उसमें सूप भी आ रहा है, यानी कि कुल मिलाकर जितनी भी पीने वाली चीज़ें हैं वो हमारी टोटल 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये भी मैक्सिमम लिमिट है, बाकी डिपेंड करता है आपका असाइटिक फ्लूड है कितना, यानी कि अगर आपके पेट में पानी है वो कितनी मात्रा तक फैला हुआ है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अंत में जाते जाते एक बात मैं और ऐड करूंगा, जब भी पानी की बात आती है तो लोग नमक का जरूर पूछते हैं, क्योंकि सिरोसिस ऑफ लिवर में नमक की मात्रा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं हर पेशेंट्स को, सिरोसिस ऑफ लिवर वालों को, ये एडवाइस करता हूँ कि आपने जो मिनिमम और मैक्सिमम जो नमक लेना है वो 1 दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा हल कैसे है कि आप जो आपके घर में या आपके परिवार में रोगी है लिवर सिरोसिस का, सिरोसिस ऑफ लिवर का, आप उसकी सब्जी में नमक, दाल में बिल्कुल नमक मत डालिए, और उसको ऊपर से जस्ट एक पिंच, एक चुटकी
दो या तीन बार दे सकते हैं, ताकि किसी भी हालत में उसका एक दिन में जो टोटल नमक की कंजप्शन है, नमक की यूटिलिटी है, वो 2 ग्राम एक दिन से ज़्यादा ना पड़े। इसी तरह की और वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष आता रहूँगा, ताकि हमारी लिवर और गट हेल्दी रहे। तब तक के लिए नमस्ते, डॉक्टर नवीन आर्या, आयुर्वेद आश्रम। और एक हाँ, जाने से पहले इस बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि और ज़्यादा जनता को इस लिवर की प्रॉब्लम से अवगत किया जा सके, उनको इसके बारे में जो टिप्स हैं वो दिए जा सके। नमस्ते।